वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, और इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ऐसे क्वेश्चन लगाने वाले हैं जिससे एक से ज़्यादा अधिक क्वेश्चन आप पढ़ पाएँ और एमसीक्यूज आप क्लियर कर पाएँ। यह वीडियो जो रहेगी वो डिटेल रहेगी, ऑलरेडी मैंने 7 वीडियो डाल दी हैं, इसकी 8वीं वीडियो आपको ये मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और एग्ज़ाम्स के पैटर्न यानी कि एसएससी का जो पैटर्न है यानी कि टीसीएस का जो पैटर्न है उसी के ऊपर हम जो है बेस्ड करके ये क्वेश्चन बना रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको आरआरबी जेई के हैं, एएलपी के हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको एसएससी सीएचएसएल के हैं, ठीक है, जो कि आपको 2019 में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं क्लियर कर दूं एक बात, कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बता रहा हूं प्रीवियसली ही, क्यों, क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि देखिए आंसर बताना इसलिए ज़रूरी, क्योंकि आप सभी को इसका लगभग आंसर पता होगा, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है दी एसोसिएशन ऑफ द स्मॉल बॉम्ब्स, ठीक है, इस नाम की जो पुस्तक है वह उसके लेखक आपको बताने हैं जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग लिटरेटरी अवार्ड से चुने गए हैं, लिटरेटली जो अवार्ड से चुने गए हैं। तो आपको इनका नाम बताना था, तो नाम था चेतन भगत, चेतन भगत इनका नाम है, और इनको जो है देखिए 2018 में इनको जो सम्मानित किया गया, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो है अंतर्राष्ट्रीय डबलिन जो है मतलब जो चेंज की जाती है भाषा, डबलिन लिटरेरी अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा और बताता हूँ मैं फ्रेंड्स, इनकी एक 5 जो प्रमुख पुस्तकें हैं, ऐसे तो हैं बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी ऐसी है जो इनमें से 5 पुस्तकें उनके बारे में बता देता हूँ मैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे गए, एमटीएस में पूछे गए। तो एक बुक है 5.1 जो कि 2004 में आई थी, एक और पुस्तक है 1 नाइट द कॉल सेंटर एट द रेट कॉल सेंटर, ये जो है 2005 में आई, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये भी बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर रही थी 2008 की, 2 स्टेट्स ये 2009 में आई है, रिवोल्यूशन 2020 ये 2011 में आई थी और ये एग्ज़ाम में 2 बार आ चुकी हैं, ओके, हाफ गर्लफ्रेंड 2014 में आई, ओके, और ये जो है 1 इंडियन गर्ल जो है वो भी 2016 में आई। तो ये जो बुक है बहुत पॉपुलर हैं जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम आप टाइम आपसे पूछी जाती है, किसकी, चेतन भगत के द्वारा। चेतन भगत एक ऑथर हैं, पुस्तक लिखते हैं, बिहार के। चलिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र भारत या फिर के स्वतंत्र भारत नहीं स्वतंत्र राष्ट्र जो है उसमें विभाजित हुए। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो आंसर है वो आपको दिखेगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इस चीज़ में हम क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या पता करने वाले हैं, इसमें हम ये पता करने वाले हैं ये एक्चुअल में ये 1947 जो एक्ट हुआ था वो किस लिए हुआ था, कब हुआ था, इस उस समय कौन कौन राजा था, कौन वहाँ पर वाइस चांसलर था, ठीक है, और क्या इसको भंग कर दिया गया है या फिर अभी भी अधिनियम है, ओके, क्योंकि देखिए फ्रेंड आपको पता है 370 जो है ऑलरेडी जो है ख़त्म हो चुका जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो है एक्ट जो है वो कब भंग किया गया, क्योंकि ये किया जा चुका है। चलिए इसके बारे में बता दूं मैं आपको, देखिए अधिनियम जो है 1947 में भारतीय स्वतंत्र अधिनियम जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की पार्लियामेंट संसद द्वारा पारित हुआ वह अधिनियम था जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेश यानी कि भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही पारिवारिक की सहमति मिली है, किसकी, देखिए आप यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, देखिए कब इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही परिवार की जो थी सहमति मिली थी, ठीक है, जिसके फलस्वरूप देखा गया 15 अगस्त को जो है 15 अगस्त और 14 अगस्त को भारत को जो है स्वतंत्रता मिली, मतलब 15 अगस्त को किसको मिली, भारत को, और 14 अगस्त को किसको मिली,
पाकिस्तान को जो है स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, अब लोग बाग बोलते हैं भाई 14 अगस्त को पाकिस्तान को क्यों मिली और 15 अगस्त को क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पर जो था राजाओं की सहमति से, मतलब बड़े बड़े शाही घराने थे उनकी सहमति पर ये 18 जून को जो है सहमति करी, 18 जुलाई को ये सहमति करी 1947 में। तो उन्होंने कहा 15 अगस्त को दी जाएगी भारत को जो आज़ादी, उसके पहले दी जाएगी 14 अगस्त को पाकिस्तान को। ठीक है, अब इसको भंग कब किया गया, इस अधिनियम को भंग भी किया गया, कब किया गया, 1947 में ही किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 395 और 1956 में पाकिस्तान के संविधान अनुच्छेद 221 को रद्द कर दिया गया था, इसलिए ये अधिनियम ख़त्म हो गया। भारत का कौन सा अधिनियम हुआ, 1956 की ही बात है, 395 वाला अधिनियम हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया, और इन्होंने जो है 221 वाला जो है अधिनियम हटा दिया गया, तो ये भंग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल रेल सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और जम्मू एंड कश्मीर अब क्या बन गया है, 370 तो हटी गई है, पता ही सभी को। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसमें पार्लियामेंट होगी, और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनके बारे में थोड़ा बता दूँ मैं आपको, सुरंग के बारे में। देखिए, मेन जो सुरंग हैं वो मुख्यतः 5-7 सुरंग हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। पीर पंजाल जो है अभी तक की सबसे बड़ी जो है लंबी सुरंग है, ठीक है, जो 11,215 किलोमीटर की, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। रेलवे डिवीज़न क्या आता है इसमें, उत्तर रेलवे डिवीज़न आता है, और कब बनाई गई थी, 2013 बनाई गई थी, लेटेस्ट नहीं है लेकिन 2013 बनाई गई थी, लेकिन लंबी है। ठीक है, सेकंड की बात करें, सेकंड जो है वो संगल दहन सुरंग है। क्या संगल दहन सुरंग है, ये 8,000 मीटर है, मीटर की है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ही है, और ये उत्तरी रेल में भी आती है, 2017 में इसको बनाया गया। ठीक है, चलेंगे अगला जो है इसको देखेंगे, तीसरी जो सुरंग है इसको T50 कहते हैं, टर्मिनल नंबर 35, 6,506 मीटर की है ये, और ये महाराष्ट्र में है। कौन सा रेलवे जोन लगता है, कोंकण रेलवे जोन लगता है, बनाई गई थी 1997 में। नथुवाड़ी जो है टर्मिनल नंबर 6 कहते हैं इसे, इसकी लंबाई है 4,389 मीटर, ये फिर से महाराष्ट्र में है, और ये कोंकण रेलवे जोन में आता है, ऐसे ही बनाया गया था 1997 में। ठीक है, इसके बाद देखें पांचवा जो है हमें टर्मिनल नंबर 39, ठीक है, इसकी लंबाई 4,070 मीटर की है, ये फिर से महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये अगला देखेंगे हम, यहाँ पर सबसे पुरानी, अगर आपसे पूछे सबसे पुरानी सुरंग कौन सी है, तो टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल 2, ऐसे भी ऑप्शन आते हैं आपके पास, लेकिन आपको ये बोला जाए सारंड, क्या है, सारंड। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन है, तो जल्दी से लगा दीजिएगा, कोई 1900 में इसको बनाया गया था, सबसे पहले दक्षिण पूर्व रेलवे में आता है, जो है अभी भी रेलवे में आता है, और झारखंड स्थान कहाँ पर है, झारखंड के स्थान पर था, कितनी लंबाई, 1,521 मीटर है। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है, ये यूज़ में है, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, ये यूज़ में, ऐसा नहीं अनयूज्ड है, ये यूज़ में है, अभी भी यूज़ में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता, तो ये किसने जीता, तो ये जीता है 2017 का, किसने जीता भाई, 2017 का जीता है जावेद अख्तर ने, किसने जीता, जावेद अख्तर ने। अब इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता हुआ इस जो है पुरस्कार के बारे में। देखिए, इस पुरस्कार की स्थापना 2011 में मुंबई के सामाजिक संगठन जो है सांस्कृतिक संगठन हृदयनाथ आर्ट के संगीतकार तथा गायक हृदयनाथ मंगेशकर के सम्मान में किया गया। इस अवार्ड के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में जो सफलता मिलती है लोगों को, उसको सम्मानित किया जाता है। ओके, अगर बात करें संगीत निर्देशक 2018 में किसको मिला, 19 में तो नहीं मिला, भी 2018 की बात करें तो ये मिला था मोहम्मद जहूर खयाम को, मोहम्मद जहूर खयाम हासी को जो है दिया गया है, जे जो मिला है हृदयनाथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2018 में। ठीक है, अगर रिसेंटली की बात करें, और बात करें यहाँ पर जो है इनसे पहले किस किस को मिला है, तो देखिए लता मंगेशकर को दिया गया, बाबा साहब पुरंदरी को दिया गया, आशा भोसले को दिया गया, अमिताभ बच्चन को दिया गया। ठीक है, लाटकर को दिया गया, पंडित जसराज को दिया गया, जावेद अख्तर को दिया गया 2017 में। ओके, ऑस्कर विजेता संगीतकार जो है ए आर रहमान, जो उनको भी दिया गया, किसको दिया गया, ए आर रहमान को भी दिया गया। हृदयनाथ
मंगेशकर पुरस्कार से सारे के सारे ये चुने जो चयन आता है, मतलब इनको चयन किया गया, ठीक है। ये अभी तक जीते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी ये अगर पूछ ले इनमें से कौन जीता है तो ये आपका आंसर है, और कौन नहीं जीता है अगर ऑप्शन है तो आपको याद है तो बिल्कुल आप बता पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्धता के लिए दिया जाता है। तो सबसे सिंपल चीज़ है, ये क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है फिल्मों के लिए दिया जाता है, ठीक है, अभिनय के लिए दिया जाता है। तो देखिए ये जो पुरस्कार था वो 1969 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, आप ध्यान दीजिएगा इसके किसके द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष दिया जाता है। सबसे लेटेस्ट जो पुरस्कार दिया गया वो अभी दिया नहीं गया, जाह्नवी कपूर को दिया जाएगा। सबसे पहला दिया गया था देविका रानी को दिया गया था हिंदी मूवी के लिए, ठीक है, और उसके बाद दिया गया था वीरेंद्र नाथ सिरकर को, ठीक है, ध्यान दीजिए वीरेंद्र नाथ सिरकर बंगला मूवी थी उनकी, ओके। तो याद रखना है सबसे लास्ट वाला, सबसे अभी रिसेंटली वाला, ठीक है, ओके। यार बात करें अभी हम जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 के विजेता कौन कौन है भाई, मतलब देखिए आप सूची की बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे वो शाहिद कपूर रहे, ओके। चाइल्ड जहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पीपल्स चाइल्ड अवार्ड्स की बात करें रणवीर सिंह यहाँ पर फिर से रहे, ठीक है। कार्तिक आर्यन जो है यहाँ पर एंटरटेन ऑफ द ईयर रहे, ठीक है, कार्तिक आर्यन, ओके। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी क्रिटिक्स की बात करें ये आदिति रॉय हैदरी रहीं, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिमी गरेवाल 2018 की जो है वो रहीं, ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे प्राइड ऑफ इंडियन सिनेमा जो है वो संजय दत्त को दिया गया, ठीक है। पाथ ब्रेकिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर ये दिया गया अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्शन को दिया गया अश्विनी अय्यर तिवारी को, ठीक है। ये फाल्के अवार्ड के कुछ जो इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स थे वो बता दिए मैंने। चलिए अगला नोबल पुरस्कार विजेता जो कि भारत के एकमात्र विजेता हैं नोबल पुरस्कार, मतलब ऐसे पूछने के लिए देखिए आप यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात हो रही है, अर्थशास्त्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति उन्होंने अभी तक जो है नोबल पुरस्कार जीता है भारत के, तो उनका नाम है आत्मर्य सेन। क्या नाम है? आत्मर्य सेन। तो देखिए फिलहाल में जो जीता है वो यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी ने जीता है, ठीक है, शांति पीस पुरस्कार वो भी मलाला के साथ में संयुक्त जीता है। तो मैं ये बताने वाला हूँ किस ने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता 1913 में सबसे पहला, सी वी रमन ने जीता भौतिकी के लिए 1930 में, हर गोविंद खुराना ने जीता चिकित्सा के लिए 1968 में, ओके। फिर उसके बाद मदर टेरेसा ने जीता शांति के लिए 1979 में, ठीक है। उसके बाद जीता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने भौतिकी के लिए जीता 1983 में, आत्मसेन ने जीता था अर्थशास्त्र के लिए जो कि अभी पूछा था हमसे, अर्थशास्त्र 1998 में दिया गया, ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अपने योगदान के लिए उनको दिया गया था, ठीक है। वेंकट रमन को दिया गया रसायन के लिए 2009 में, ओके। कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफ़ाई को दिया गया शांति फीस पुरस्कार 2014 में, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट था, कैलाश सत्यार्थी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। कैलाश सत्यार्थी जो हैं जबलपुर के रहने वाले हैं, MP के रहने वाले हैं, ठीक है, ओके। और इन्हों क्यों मिला, क्योंकि ये बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षाओं के अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए दिया गया है, ओके। तो यहाँ पर जो है विजेता की बात करें नोबल पुरस्कार की जो रिसेंटली दिया गया 2018 का, तो देखिए फिजियोलॉजी और चिकित्सा के लिए जेम्स पी और एलिसन और यहाँ पर किसको तसुका होंज को दिया गया। भौतिकी के लिए दिया गया किसको, आर्थर को दिया गया, जेरेड मॉरी को दिया गया और डोना स्क्रिटलैंड को दिया गया, ठीक है। अगर बात करें रसायन विज्ञान की तो रसायन विज्ञान में दिया गया फ्रांसिसी एच अर्नाल्ट को, ठीक है, और उसके बाद दिया गया जॉर्ज पी स्मिथ को, उसके बाद ग्रेगरी पी विंटर को और संयुक्त रूप से इनको सबको दिया गया, ठीक है।
अगला देखेंगे, देखिए शांति के लिए दिया गया पीस अवॉर्ड का जो डेनिस मुक्केबाज जो हैं उनको दिया गया, और नाडिया मुराद को है जो ईरान की है उनको दिया गया। इसके बाद आर्थिक विज्ञान जो है उसके लिए दिया गया इसको विलियम डी नॉर्थहॉक को जो कि यूएसए के हैं, और पॉल एम रूमर को दिया गया यूके यूएसए के हैं। किसका जो आर्थिक विज्ञान है उसके लिए इनकी पूरी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन्होंने क्या किया क्यों मिला है यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है आप देख सकते हैं। वैसे आपको जो चीज़ आपको पूछी नहीं जाएगी, बस जो पूछा जाएगा वही है। अब आपसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में था, तो देखिए पेरियार है, गोमती है, रावी है या नर्मदा है। हम यहाँ पर सिर्फ एक नदी के बारे में बात करेंगे, पेरियार, गोमती, रावी और नर्मदा, ठीक है सिर्फ एक नदी के बारे में बात करेंगे क्योंकि एमपी से निकलती है, ठीक है ओके। एक नदी के बारे में बात करेंगे तो एक नदी कौन सी है भाई, उसका आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट करके दीजिएगा मध्य प्रदेश से। तो ये नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है भाई, अमरकंटक की विंध्याचल पहाड़ी से। देखिए अमरकंटक देखिए उद्गम कहाँ से था, विंध्याचल से, मैकॉल पहाड़ी के श्रृंखला जो श्रृंखला है वहाँ से अमरकंटक नाम जो नामक स्थान से निकलती है। मैकाल के निकलने के कारण नर्मदा को मैकाल कन्या भी कहा जाता है, ठीक है। स्कंद पुराण में इस नदी का वर्णन जो है रेवा खंड के अंतर्गत किया गया है, तो इसका अन्य नेम भी पड़ जाता है रेवा। क्या पड़ता है, अन्य नेम भी इसको कहते हैं रेवा, ठीक है मध्य प्रदेश की रेवा कहते हैं, इनका अन्य नेम रेवा है। देश भारत और किस किस राज्य में भैया, पहले तो गुजरात में, सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन बता दूँ गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि ये चार राज्यों में बहने वाली नदी है, ठीक है कहाँ पर, चार राज्यों में, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी है और गुजरात और यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। प्रमुख नगर जो कि इसके किनारे हैं, जबलपुर है, इंदौर है और बड़ोदरा है, ठीक है ये तीन नगर यहाँ पे आते हैं। उद्गम स्थल बता चुका हूँ मैं आपको, विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला जो है अमरकंटक नामक है। इसकी लंबाई 3010 किलोमीटर की है, सॉरी 1010 किलोमीटर की है, 3000 नहीं है, 1010 किलोमीटर की, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर, बर्ली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है? बर्ली चित्रकला की शुरुआत, बर्ली चित्रकला तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन है राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो यह शुरू की गई महाराष्ट्र से। कहाँ से की गई, महाराष्ट्र से की गई। देखिए वर्ली जो है महाराष्ट्र के बाहरी इलाकों में, पहले बाहरी इलाके में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति का नाम है, ठीक है। बर्ली शब्द का व्युत्पत्ति जड़ या बरला में, जिसका अर्थ होता है भूमि या क्षेत्र का एक टुकड़ा, क्या होता है, भूमि या क्षेत्र का एक टुकड़ा होता है। इतिहासकारों के बीच एक धारणा है कि बर्ली की परंपरा 2500 से लेकर 3000 ईसा पूर्व की है। फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और उसके बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा, शक्ति होगा, संप्रीति होगा, भंजर होगा या गरुड़ शक्ति होगा? तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा क्या होगा भाई, ये होगा शक्ति सैन्य अभ्यास जो फ्रांस और भारत के मध्य हुआ। तो अब कुछ जो है अभ्यास में बता देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए युद्ध अभ्यास, ये इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, जो कि अमेरिका और भारत के बीच में रिसेंटली हुआ, कहाँ पर, उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट जो है 2018 एलिफेंट कहते हैं, भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, ये हैंड इन हैंड सभी को पता है, ये भारत और चीन के बीच में होता है, चीन की चेंगदू में यह अभी हुआ 2018 का, ओके। ट्राइटेड जंक्चर, क्या है जंक्चर है जो 2018 का, ठीक है वो जो हुआ है वो किस किस के बीच में होता है, नाटो, फिनलैंड एवं स्विट्जरलैंड के बीच संपन्न हुआ है, ठीक है। नॉर्वे जो है नॉर्वे में आयत हुआ है ये, ठीक है।
इंद्र जो है 2018 वो भारत और रूस के बीच होता है, ये भारत और रूस के बीच नहीं है, इसलिए जो है भारत इंडिया के बीच नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 21 के बीच में होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा ही पूछ लिया जाता है। और ये कहाँ पर हुआ और इंद्र जो होता है वो कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश के बबीना कैंट में हुआ, ठीक है। बात करें इम्बैक्स की, सभी को पता है ये म्यांमार और इंडिया के बीच में होता है। इम्बैक्स 2018-19 का जो हुआ, चंडी मंदिर, क्या चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन पर, ये चंडीगढ़ में हुआ, ओके। अगर बात करें कोबरा गोल्ड, तो ये हुआ भारत प्लस 29 देशों के बीच में, तो एशियाई प्रशांत के क्षेत्र में ये किया गया, ठीक है, ओके। इसके बाद संप्रीति जो है, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, कहाँ पर हुआ 2019 का, बांग्लादेश के तंगेल में, तंगेल में हुआ। अल नगाह जो होता है भारत और ओमान के बीच होता है, जो कि हुआ ओमान में, अभी हुआ ओमान, आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा ओमान में हुआ, ये पूछ लिया अंदर से, तौबेल अल खदार जो है पर्वत पे हुआ, ठीक है। अगला देखें, इंडिया जो है अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2019 जो हुई भारत और 17 अफ्रीकी देशों के बीच हुई, जो कि पुणे केउद मिलिट्री स्टेशन में हुई। मैत्री शक्ति जो है बहुत फेमस, जो कि श्रीलंका भारत के बीच होती है, श्रीलंका में आयोजित की गई है। इंडेक्स, क्या ओशियन इंडेक्स जो है 2019 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, विशाखापट्टनम में से आयोजित किया गया, ओके। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है अभ्यास जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच होता है, उत्तर प्रदेश के झांसी के बबीना मिलिट्री स्टेशन पर इसको किया गया, ठीक है, ओके। कांगड़ू जो 2018 का भारत और 25 देशों में हुआ और ऑस्ट्रेलिया में से आयोजित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जो पहली, देखिए भारत की कहें पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू किया गया, 15 अगस्त 1951, 26 जनवरी 1950, या फिर 15 अगस्त 1947, या 13 मई 1952, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ये, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं मैं आपको एक्चुअल में क्या हुआ था। देखिए प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। देखिए लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान में दो अनुच्छेद हैं, या जो कि 81 और 331 में प्रावधान किए गए हैं। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बाद में इसमें वृद्धि कर दी गई, और उसके बाद में क्या हुआ 31वें संविधान संशोधन, जो कि 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित कर दी गई, कितनी 547। वर्तमान में जो गोवा दमन और दीप है पुनर्गठन अधिनियम जो है उनमें 1987 के द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि लोकसभा अधिकतम सदस्य जो होंगे उसमें 552 हो सकती है, ठीक है, कहाँ पर, गोवा दमन व दीप में, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। अगला, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी निम्न में से कौन सी है, कवरत्ती, सिलवासा, दमन या पोर्ट ब्लेयर। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा फ्रेंड्स क्या रहेगा, अंडमान निकोबार की तो भाई पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। अब इसकी क्या है, दादर नगर की सिलवासा है, ठीक है। अब भैया सिलवासा के बारे में थोड़ा बता दूं, दादर नगर हवेली जो है, ओके, वो केंद्र शासित प्रदेश है, पहली बात तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य स्थित है, हालांकि दादर नगर जो है इस प्रदेश की एक तालुका है, मतलब एक छोटी तालुका है, कुछ किलोमीटर दूर गुजरात में स्थित एक विदेशी अंत क्षेत्र है, जिसकी जो राजधानी है उसे वो सिलवासा जो है, उसकी राजधानी क्या है, सिलवासा है, जो कि यह क्षेत्र जो है दमन से 10 से 30 किलोमीटर दूर है, कितना है 10 से 30 किलोमीटर दूर। अब फ्रेंड्स आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं, देखिए पहले 370 जो धारा थी उससे पहले, जो अभी अमेंडमेंट हुआ है, अभी जो 370 जो हटा दी गई है, उससे पहले हमारे पास सात यूनिट यूनियन टेरिटरी थी, कौन कौन सी थी, सात थी हमारे पास, अंडमान निकोबार, दादर नगर, ठीक है, और राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दमन दीप और लक्षद्वीप, ठीक है,
ये हमारे पास थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहती है, टोटल मिलाकर 7 थी, अब हो गई हैं 9। कितनी हो गई है? 9 हो गई है। 9 कौन सी भाई? एक तो जम्मू एंड कश्मीर हो गई है जे एंड के, और एक हो गई लद्दाख। तो लद्दाख तो पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी है, पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी है। लेकिन बात करें किस चीज़ की? बात करें जे एंड के की। ठीक है, इसकी बात करें जे एंड के की, तो जे एंड के जो है अभी यूनियन टेरिटरी ज़रूर है, लेकिन फ्रेंड्स उसमें जो है पार्लियामेंट होगी। ठीक है, और भविष्य में हो सकता है उसे यूनियन टेरिटरी से हटा दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया? तो भोपाल शहर किसने बनाया? महेंद्र बोझ, राज्यपाल विजय सेन या मिहिर बोझ? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिहिर बोझ। क्या आएगा? महेंद्र बोझ नहीं है, मिहिर बोझ है। अब एक राजा बोझ भी थे जिसके नाम पर बहुत लोग बोलते हैं कि राजा बोझ ने बनाया है भोपाल को, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा बोझ प्रथम राजा थे, बोझ जो बोझ उनका जो सरनेम था उनका। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखिए बोझ जो है प्रथम अथवा मिहिर बोझ गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी जो एवं प्रतापी एवं महान राजा था। ठीक है, उसने 50 वर्ष यानी कि 850 से लेकर 900 तक ईस्वी तक जो है प्रयाग जो है शासन किया। ओके, गुर्जर सम्राट जो है मिहिर के महान सिक्के जो हैं चलाए गए। उसे महान सिक्कों में होता क्या क्या था उसमें? उसमें 12 तरह के अलग अलग भगवान, ठीक है, जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर रखा गया था। ठीक है, अब इनकी उपलब्धि की बात करें तो बोझ जो है प्रथम उनकी राजधानी धार थी। ठीक है, धार उन्होंने बनाई, उसके बाद उनको कला एवं जो अलग अलग चीज़ों में शौक था। ओके, यहाँ पर भोज ने अपने महल एवं मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें सरस्वती मंदिर। ठीक है, ओके, उनके अन्य निर्माण जो है केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ और आदि ये अलग अलग मंदिर हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भोज जो है प्रथम ने भोजपुर नगर एवं भोजसेन नामक तालाब का भी निर्माण कराया था। इसके त्रिभुवन नारायण, ठीक है, सार्वभौमिक और मालवा चक्रवर्ती जैसे बौद्धिक धारणाएं किए गए थे, मतलब ऐसी धारणाएं दी गई थी। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको मीर भोज और भोज वंश के बारे में जाननी थी। ठीक है, भोज वंश के बारे में ऐसे एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता, बस आपसे यही पूछा जाएगा किसने बनाई। ठीक है, तो मीर भोज लगा दीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगला देखेंगे चित्रकारी जिसका नाम है पट्टचित्र शैली जो है किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूप में से एक है? तो ये एक किस कहाँ से? असम से है, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान या उड़ीसा से? तो ये है उड़ीसा। क्या रहेगा? उड़ीसा यहाँ पर आएगा। तो ये कहाँ की चित्रकला? देखिए बता दूँ कि ऐसा कोई प्रमाणीकरण नहीं है कि ये उड़ीसा की है, लेकिन देखा जाता है कि उड़ीसा में ज़्यादातर होती है, उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। ठीक है, इस चित्रों में हिंदू देवताओं को दर्शाया जाता है, जिसमें पट अर्थात कपड़ा जो होता है, कपड़े पर इसका चित्र जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस वीडियो को जितना से जितना फॉरवर्ड करने के बाद आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, उसका बेल का आइकन बढ़ाई दबा दीजिएगा, जिससे क्या मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है तो फ्रेंड उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको अगली वीडियो देखनी है जो कि आएगी 6:15 पर, जो कि रहेगी पूर्ण रूप से मैथ की वीडियो। ठीक है, तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए।